नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव एसएसडी देहाती खबर। मुर्दाबाद, अपना हाथ लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, अपना हाथ लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, 10% प्लॉट लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, 10% प्लॉट लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, 40 मीटर का प्लॉट लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, 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 साथियों, 57वां दिन गेट 9 प्राधिकरण पर, जो उसमें कोई कमी नहीं है, प्रशासन कितना जोर लगा ले, ये किसान अपना हक लेकर रुकेंगे नहीं और खूब तानाशाही रवैया अपना लो प्राधिकरण की, ये पुलिस ये प्राधिकरण रुकेंगे नहीं। 57 दिन का धरना सुचारू रूप से चालू, 57 दिन का धरना। बहुत बहुत धन्यवाद खारी जी, बहुत ही ओजस्वी विचार। और साथियों, गेट नोएडा प्राधिकरण पर रात दिन चल रहे धरने का आज 58वां दिन है और यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में माताएं बहनें नौजवान पुरुष का हजूम हला हुआ है, कोई कमी नहीं है। प्रशासन कुछ भी कर ले मगर ये लोग हटेंगे नहीं, मांग बना के रहेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे हरिंदर खारी जी हैं किसान सभा से। हाँ जी, हम यहाँ 58 दिन से धरनारत हैं, रात दिन का हमारा महापड़ाव यहाँ चल रहा है। हमने सरकार तक अपना सवाल पहुँचाने के प्रयास किया है। 10% के लिए हम यहाँ बैठे हैं, भूमिहीनों के लिए 40 मीटर के प्लॉट के लिए यहाँ बैठे हैं और जो हमारा 17.5% का कोटा है, लीज बैक से संबंधित सवाल हैं उनको लेकर के हम यहाँ धरनारत हैं। कई बार हमने बड़ी सभाएं भी की हैं। हमारे 33 जांबाज साथी जेल में बंद हैं। जब से जेल में साथी हमारे बंद हुए तब से हमारा आंदोलन जो है वो आक्रोश लोगों में है और हमने उस आक्रोश को देखते हुए हमने इनसे प्रयास भी किया कि हमारे साथियों को जो आप रिहा कर दो, एक बातचीत का आप माहौल बनाओ ताकि बातचीत हो और हम अपने बातचीत के जरिए अपने मुद्दों को सुलझाएं। लेकिन प्रशासन और शासन हमारी बात अभी तक कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं। यहाँ जो मैडम बैठी हैं वो बिल्कुल हट धर्मिता पे हैं, वो बातचीत करना चाहती नहीं है और सवालों को भी हल नहीं करना चाहती। अब हमने 27 जो हमारी जून है, 27 जून के लिए हमने किसान सभा ने ऐलान किया है कि 27 जून में हम महासभा करेंगे और सभी अराजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को, सभी सामाजिक संगठनों को और जो किसान संगठन है हम उन सभी को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि सभी ने हमारा सहयोग किया है। तो जिन जिन संगठनों ने हमारा सहयोग किया हम उनके लिए पत्र भेज करके उन्हें आमंत्रित करेंगे 27 जून के लिए। और 27 जून हमारी ऐतिहासिक एक महासभा होने जा रही है, महापंचायत, तो हम सभी को जो है उसमें इनवाइट करते हैं। आप सभी उसमें आए, आप सब उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जो हमारे मुद्दे हैं उन्हें हल करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत, बहुत, आपको और मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, आप भी बैठे हैं, हम जितनी संख्या में यहाँ पुरुष बैठे हैं उससे ज़्यादा संख्या महिलाओं की है, चाहे इन्होंने जगह दे सक कम गेर रखी हो। तो ये आपका आंदोलन जिस दिन जीतेगा उस दिन इतिहास में नया पन्ना लिखा जाएगा और उसमें ये लिखा जाएगा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कोई आंदोलन हुआ और यदि श्री किसी को जाता है तो वहाँ आपने चाहे रात हो, दिन हो, बारिश हो, तूफान हो, कोई भी चीज आपको रोक नहीं पा रही, आप इसमें डटी हुई है पूरी तरह से। और एक तरह से मैं कहूँ तो आप तो एक ढाल बनकर के इसमें खड़ी हुई है, आप एक ढाल का काम कर रही है कि पहले हम, हमारे बाद कोई और। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहले भी हमने बहुत सारे आंदोलन किए और बहुत सारे आंदोलनों को जीता है, लेकिन जिस तरह से मातृशक्ति ने अबकी बार हमें सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, उस तरह का इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को क्या मैंने तो मुझे तो जहाँ तक मैंने सुना है इतना कभी भी किसी ने भी नहीं दिया, तो इसलिए बहुत बड़ी बात। तो मैं हमारे आज के जो संचालक रहेंगे, इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।